नमस्कार, MHW न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा में क्या कट ऑफ लिस्ट जो पहली राउंड की काउंसलिंग हुई उसके अंदर रही है और जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी उसके अंदर क्या जो कट ऑफ लिस्ट रहने वाली है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यह कट ऑफ लिस्ट इतनी क्यों रहने वाली है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है और भविष्य इन चीज़ों पर टिका हुआ होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार राउंड वन में क्या कट ऑफ लिस्ट रही है। तो हम आपको बता देते हैं कि सबसे जो कम कट ऑफ लिस्ट गई है वो गई है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा की। इसके अंदर हरियाणा में जो पहले स्टेट काउंसलिंग हुई है उसमें सबसे कम कट ऑफ लिस्ट गई है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर जर्नल के लिए कह लीजिए तो 600 नंबर पर जो ये कट ऑफ लिस्ट गई है। वहीं जिन्होंने EWS का कोटा का जो सर्टिफिकेट था वो बनवाया हुआ था उनको जो कट ऑफ लिस्ट गई है वो गई है 589 नंबर पर। और BCB की बात की जाए तो BCB में भी अब की बार कट ऑफ लिस्ट काफ़ी हाई गई है, 574 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट गई है। BCA के लिए 539 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट गई है। SC कैटेगरी की बात की जाए तो 478 नंबर पर कट ऑफ लिस्ट गई है और यह कट ऑफ लिस्ट काफ़ी हाई है। पिछली बार के मुकाबले की बात की जाए तो अब की बार कट ऑफ लिस्ट जो पहले राउंड की है काफ़ी हाई है। और हम आपको बता दें कि अब सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ है उसमें क्या होने वाला है। सेकेंड राउंड की कट ऑफ ज़्यादा कम नहीं होने वाली, इसलिए अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है, अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है तो अच्छे कॉलेज के चक्कर में कहीं उस कॉलेज को छोड़ करके दूसरे में लेने के लिए कोशिश मत कीजिएगा, हो सकता है आपके हाथ से वह सीट भी चली जाए। तो अब कितनी कम हो सकती है कट ऑफ लिस्ट, तो हम आपको बता दें कि 10 नंबर तक, सिर्फ 10 नंबर तक जो है कट ऑफ लिस्ट कम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली। अब इसका कारण भी बता देते हैं हम। इसका कारण ये है कि अब की बार पिछली बार के मुकाबले से कंपटीशन ज़्यादा था, यानी अगर एग्ज़ाम की बात की जाए, अगर आपका जो पेपर हुआ था उसकी बात की जाए तो पिछली बार के मुकाबले से जो पेपर था वो आसान आ था, इसलिए बच्चों के नंबर तो ज़्यादा आए हुए हैं। 600 से ऊपर भी 18,000 से ऊपर बच्चे थे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब